गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ अनुराग श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, जैसा कि कल के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8A पूरे तरीके से पढ़ चुके हैं और आज के क्लास में एक्सरसाइज 8B पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 8B पे चर्चा करेंगे और आज ही हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, इसको हमें आज कंप्लीट भी करना है। आज ही कंप्लीट, यहाँ से आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8B में, कह रहा है शो डैट 30:40:45:60 आर इन प्रपोर्शन। क्या ये दोनों सभी एक दूसरे के प्रपोर्शन हैं, बराबर में हैं? पहला क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है। तो देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मैं इसमें बस एक मेथड बताऊँगा, सारा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, प्रपोर्शन में हो जाएगा, ठीक है। और इसमें चलिए आइए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है। शो डैट, पहला क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, बाकी उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे नहीं। शो डैट 30:40:45:60 आर इन प्रपोर्शन, यही है क्वेश्चन। देखिए कुछ नहीं, सॉल्व करिए, बहुत इजी है। पहले इसको रेशियो फॉर्म बना लीजिए, 30:40:60:45 या तो इसको आप a by b डबल रेशियो c by d के फॉर्म में कर सकते हैं, या तो सिंपल इसको क्या कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 5। देखिए इसको करने के दो मेथड हैं, ठीक है, इसको करने का दो मेथड है, मैं दोनों मेथड बताऊंगा, जो इजी लगे करिए। देखिए पहला मेथड ये है, एक फॉर्मूला लिखिए, सिंस दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये फॉर्मूला आपके सारे आगे के क्वेश्चन में आएगा, इक्वल्स टू इस फॉर्मूला से आपके ही पूरा 8B सॉल्व होगा, पूरा जिसको बोलते हैं टोटली, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में क्या होता है कि इसका मल्टीप्लाई हम लोग इससे करते हैं, अब प्रोडक्ट ऑफ मीन में क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई हम लोग इससे करते हैं, क्लियर हुआ। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में हमेशा हम लोग इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ मीन में इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। देखिए तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 30:60:40:45, ठीक है। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 80 100 देखिए 45, 5 4 20 4 4 60 218 1800 आ गया। दैट मीन्स वन एट डबल, दोनों तरफ इक्वल आ गया, तो लिखेंगे यस, हेंस इट इज प्रपोर्शन। बस लिख के हेंस इट इज प्रपोर्शन, दोनों तरफ इक्वल आएगा, डैट मीन्स ये सही है, दोनों तरफ प्रपोर्शन है। एक तरीका इसका और है, ठीक है, एक तरीका इसका और है, कर लीजिए तो बताते हैं एक तरीका और। चलिए ऐसे ही कर लीजिए। दूसरा तरीका है जो देखिए शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, a बाई b करेंगे, 30/40 हो जाएगा, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40,
इक्वल्स टू 45/60 है, 53 जा 45, 54 जा 60, डैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS आया, 3/4 इधर भी, 3/4 इधर भी, हैंस दिस इज आर प्रोपोर्शन। जैसे देखिए इसको कर सकते थे 30/40 इक्वल टू 45/60, कैंसिल टू ईच अदर, 3/4 15 से कैंसिल, 53 जा 45, 54 जा 60, 3/4 3/4, हैंस इट इज प्रोपोर्शन, दोनों क्या है प्रोपोर्शन में है। ऐसे भी आप इसको एक लाइन में समझ सकते थे, बट ऐसे आप इस फॉर्मूले के तहत सीखिए कि ताकि आपको आगे सारा इसके बेसिस का क्वेश्चन हो तो आप इसे कर सके। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्नैप लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज एकदम है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोला है कि आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में था तो मैंने दिखा दिया। उसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सो डैट 36, 49, 6, 7 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में नहीं है, शो करके दिखाइए। एज इट इज बनाएंगे 36:49:6:7, देन आफ्टर वी अप्लाइड फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, फाइनली वी गेट LHS इक्वल टू LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देन वी शो डैट 36, 49, 6, 7 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं बताया हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ये भी एकदम सेम है। कह रहा है 2:9:27। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन उतार लीजिएगा आप लोग, मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। 2:9:x:7 यही है क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन यही था, हम सॉल्यूशन करें 2:9:27 है, 27 है, ठीक है। चलिए देखिए तो सिंपली हम क्या कर ले, यहां पे भी अप्लाइड कर ले फॉर्मूला, सिंस दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में 2:27 और प्रोडक्ट ऑफ मीन में 9x, तो हम लोग कर सकते हैं एक्सट्रीम में 2:27 इक्वल्स टू 9x। देखिए क्वेश्चन में बोला भी है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखेंगे तो लिखेगा ऐसे ही कुछ करके, फिर लिखेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखिए सिंपली ये मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसपोज कर ले तो 2:27/9 इक्वल्स टू एक्स, 9 3 जा 27 एंड फाइनली वी गेट एक्स इक्वल्स टू 6 एंड दिस इज माई आंसर, ठीक है। देखिए क्या हुआ, जैसा कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखिए 2:9:27 है और पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वी नो डैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, वैन वी अप्लाइड द फॉर्मूला वी गेट एक्स इक्वल टू 6 एंड एक्स इक्वल टू 6, दिस इज माई आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी एज इट इज होगा, 5 भी एज इट इज होगा, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। देखिए इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला से सारा पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एकदम सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेंगे, कह रहा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर। देखिए 8:36 है, हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन किसी को नहीं पता है, तो हम क्या कर ले, अब फोर्थ प्रोपोर्शनल को मानेंगे, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन लिखिए इसको। फोर्थ प्रोपोर्शन एक्स मान लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिखिए लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल नंबर इक्वल्स टू एक्स, शोर मत करो, लिखो सिक्स का सॉल्यूशन है, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स, ठीक है फोर्थ प्रोपोर्शनल को एक्स मानते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है क्या 8, 36, 6, तो लिख लें सिंस दैट 8:36 डबल रेशियो, इसमें क्या है 6:x। देखिए फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्शन, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा 8 × x, प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होता है 36 × 6, 8 × x इक्वल्स टू 36 × 6, क्लियर। चलिए ठीक है तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 36 × 6/8, टू थ्री जा सिक्स, ठीक है टू फोर जा एट, फोर नाइन जा 36, 9 × 3 = 27, तो फाइनली हमें मिल गया एक्स इक्वल्स टू 27, ठीक है और यही हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक आइए चेक कर लेते हैं, हाँ 27 इज द करेक्ट आंसर। देखिए 6 का सेकेंड और थर्ड भी एकदम एजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, देखिए कह रहा है इफ 36, 54, x आर कंटिन्यूड इन प्रपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है तो इसको सॉल्व करने के लिए लिख लें लेट द कंटिन्यूड प्रपोर्शन वाला है, इसमें x मान ले पहले, नहीं तो चलिए आइए लिखते हैं सिंस, क्वेश्चन क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखिएगा सिंस 36, 54, x आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन देन वी हैव थर्टी सिक्स रेशियो फिफ्टी फोर कंटिन्यूड का मतलब यही होता है एक्चुअल में x, बोलो अब कर लोगे
36 रेशियो 54 डबल रेशियो 54 इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन निकाल लगा के आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन ठीक है 36 इंटू एक्स इक्वल्स टू 54 इंटू 54 फाइनली एक्स इक्वल्स टू 54 इंटू 54 बाई 36 नाइन सिक्स जा 54 नाइन फोर जा 36 ठीक है। फिर देखिए कैंसिल हुआ 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 से कैंसिल हुआ 54 27 एंड 27 तो फाइनली क्या मिला x इक्वल्स टू 27 इंटू 3 और फाइनली x इक्वल्स टू में क्या मिला 81। यही हमारा क्या हो गया आंसर, जो कंटिन्यूड प्रपोर्शन है आपका यही है। चेक करो गलत हो गया तुम्हारा तब तो वही पतिया तो है यार सॉल्व कर दिया। चलिए ठीक है इसको देखिए कैलकुलेट किए 54 इंटू 54 बाई 36 9 के टेबल्स गया 9 4 जा 36 9 6 जा 54 फिर 6 4 2 के टेबल से 4 गया 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 से 54 गया 27 टाइम 27 इंटू 3 81 एंड फाइनली दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह है, क्वेश्चन नंबर 9 भी एकदम सेम है। मैं 9 बता दे रहा हूँ आप लोग करके लाइएगा ठीक है क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे, आगे की जो नेक्स्ट क्लास है आगे के नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, दो चार क्वेश्चन और बचा है फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारा क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।